बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये वो समय था जब भारत देश जनपदों में विभाजित हुआ करता था और लगभग 563 ईसा पूर्व शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में शुद्धोदन और माया देवी के घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर संसार में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में और आज हम देखेंगे विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूपों की यात्रा और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। सांची की यात्रा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम भोपाल से निकल पड़े भोपाल सागर हाईवे पर। भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर, रायसेन से 23 और विदिशा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सांची। बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध सांची पर्यटन की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थित स्तूप, मंदिर, स्तंभ, विहार और चैत्यालय इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही सांची बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शुरुआती बौद्ध काल की सर्वोत्तम निधियां हमें सांची में ही देखने को मिलती हैं। तो सांची की ये जो स्तूप स्मारक है, यहाँ पहुँचने के लिए एंट्री गेट पर टिकट कटता है और ये कुछ यहाँ की जानकारी। सांची स्थित पहाड़ियों को पुरातन काल में वेदिसगिरी, चैत्यागिरी, काकनाय इत्यादि नामों से जाना जाता था। विंध्याचल पर्वतमालाओं की एक पहाड़ी में है सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप। सांची में पुराने स्मारकों के निर्माण का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। यहाँ स्थित स्तूप, स्तंभ, विहार, मंदिर, चैत्यालय का निर्माण तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक निरंतर जारी रहा। सांची में मिले अभिलेखों में सांची के स्तूप को ककनाद बोट कहा गया है। इसे साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजपूत काल तक इसकी कीर्ति बराबर बनी हुई थी, मगर इसके बाद सांची के स्तूप किसी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ की तरह सांची में भी अशोक स्तंभ मिले हैं, जिनका निर्माण ग्रीको बौद्ध शैली में किया गया है और यह स्तूप बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माने जाते हैं। सांची के स्तूपों में सबसे प्रमुख स्थान है स्तूप क्रमांक 1 का, जिसका व्यास 36.5 मीटर है एवं ऊंचाई 21.64 मीटर है। सांची के स्तूप क्रमांक 1 के चारों तोरण द्वारों पर भदंतक, महाकपि, बेसांतर, अलम्बुस और साम जातक कथाएं उत्कीर्ण हैं। ऐसा कहते हैं कि ये सभी कथाएं भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंध रखती हैं। यहाँ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है, जैसे छत्र, घोड़ा, हाथी, सिंहासन, चक्र, त्रिरत्न, विहार स्थान, बोधि वृक्ष आदि को भगवान बुद्ध का प्रतीक बनाया गया है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अनेकों रूप से अवतार लिया और ये सभी अवतार भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्तूपों के तोरण द्वार पर अंकित किए गए हैं। लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान तोरण के सामने स्तूपों से सटाकर भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियों को स्थापित किया गया था।
स्तूप के सबसे ऊपर केंद्र में एक छत्र और चारों ओर वर्गाकार हर्मिका है। लोक मान्यताओं के अनुसार स्तूप क्रमांक 1 में भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष संग्रहित हैं। सांची स्थित पहाड़ियों को पुरातन काल में वेदिसगिरी, चैत्यागिरी, काकनाय इत्यादि नामों से जाना जाता था। स्तूप क्रमांक 1 के पश्चिमी द्वार के सामने से रास्ता स्तूप क्रमांक 2 की ओर जाता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं दूसरे स्तूप की तरफ, क्योंकि रास्ता पूरा खाली है और यहाँ कोई नहीं है, इसलिए एटलीस्ट मैं मास्क हटा के आपसे कैमरे पे बात कर पा रहा हूँ। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पहले प्रचार सांची से ही शुरू हुआ था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सांची से ही बोधि वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका गए थे। यहां अंकित अभिलेखों और मूर्तिकला के आधार पर इन स्तूपों का निर्माण काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यहीं से प्राप्त एक प्रस्तर निर्मित मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेखों के अनुसार मालूम होता है कि स्तूप क्रमांक 2 में 10 भिक्षुओं की अस्थियां अवशेष सुरक्षित हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भारत देश की सबसे पुरानी शयन संरचनाओं में से एक है। सन 1989 में सांची के इन स्तूपों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। स्तूप 1 के दक्षिणी तोरण द्वार के पास ही सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ है। इसका शीर्ष भाग पुरातत्व संग्रहालय में है। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लिखी गई राज्याज्ञा अंकित है। उत्तरी तोरण द्वार के समीप स्तंभ 35 है। यह स्तंभ गुप्त काल का है। इसका दो भाग अपने प्राचीन रूप में है और शीर्ष रूप में वज्रपाणी की प्रतिमा संग्रहालय में रखी गई है। आज सांची के इस परिसर में छोटे और बड़े मिलाकर स्तूपों की संख्या लगभग 40 के आसपास है। मंडप 17 गुप्त काल का ही मंदिर है। मंदिर का ऊपरी भाग समतल है और मुख्य मंडप 4 पिलरों पर स्थित है। चैत्यालय स्तूप क्रमांक 1 के सामने ही चैत्यालय है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी। आज इस चैत्यालय का ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है। मंदिर 40 लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व द्वयस मंडप का है। लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित द्वयस मंडप था। कहते हैं कि इसका ऊपरी हिस्सा जल जाने के बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समीप ही दूसरा मंडप बनाया गया था। ये दिख रहा है आपको सिस्टम, ये दो पत्थरों को ज्वाइंट करने के लिए ये ग्रुप बने हुए। बौद्ध धर्म के साथ ही सांची में जैन और हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं। कहा जाता है कि मौर्य काल और गुप्त काल में सांची का यह स्थान व्यापारिक मार्ग में स्थित था। इस कारण इस स्थान की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। धर्म शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शांति और उपासना स्थल रहे इन भवनों ने आधुनिक कैलेंडर से भी ज्यादा का समय देखा है।
अथवा संघाराम बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान हुआ करते थे। सांची के इस परिसर में अनेकों विहार हैं, इनमें विहार क्रमांक 51 सबसे बड़ा विहार है। दोपहर हो चुकी है, आधा दिन निकल चुका है और अभी लंच फिनिश किया है। यहाँ के बाद नीचे जाते हैं और देखते हैं कि जो संग्रहालय है वहाँ क्या क्या है, क्योंकि टिकट कटवा चुके हैं। 5 रुपये संग्रहालय के टिकट है और यहाँ की एंट्री फ़ीस कुछ 40 रुपये के आसपास है, उसमें कैमरा फ़ीस इंक्लूडेड है। तो अभी यहाँ से लंच, नीचे चलते हैं, बाकी बचे हुए हिस्से देखते हैं। सांची स्थित बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं और हर साल नवंबर महीने में इन अस्थियों को दर्शन के लिए बाहर रखा जाता है। सर जॉन मार्शल ने जब सांची के स्तूपों की मरम्मत करवाई तो यहां संग्रहालय का भी निर्माण करवाया और बाद में सन 1986 में इस संग्रहालय को एक नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। सांची पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा भोपाल का है। यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सांची, भोपाल और विदिशा है। सड़क के रास्ते सांची पहुंचने के लिए भोपाल, रायसेन और सागर सहित अन्य मुख्य शहरों से परिवहन सुविधा उपलब्ध रहती है। सांची में ठहरने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के नजदीक ही एमपी टूरिज्म द्वारा होटल और लॉज का निर्माण किया गया है, जहां आप बड़ी सुविधा के साथ रह सकते हैं। सांची के इन स्तूपों की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सभी मित्रजनों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में आप मुझे द बंजारा मैन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपनी यात्रा को यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद।